पाँच आज छठे वर्ष लालगढ़िया पैलेस में रोजा अवतार का कार्यक्रम करा गया है। ये एक कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ सभी धर्म के धर्मगुरुओं का सम्मान किया जाएगा, शानदार स्वागत किया जाता है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अच्छी बारिश हो, चैन अमन प्रदेश में देश में। इसके लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है रोजाता। अमित बंसाली, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अजमेर में नहीं राजस्थान के अंदर में हमारे अमित भाई और नितिन भाई ने एक मिसाल कायम की है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हर जगह इस तरह के प्रोग्राम आयोजित हो ताकि कौमी एकता के लिए, भाईचारे के लिए एक पैगाम जाए। ये हर साल जो है ये प्रोग्राम कराते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे देश में अमन रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे। ये हमारी दुआ है क्योंकि जो दुआएं रमज़ान में की जाती है वो कबूल होती हैं। ये हम दुआ करते हैं। सैयद मुनव्वर चिश्ती, खादिम ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ अजमेर। आज रोज़ा अफ्तार का आयोजन किया गया है इधर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये रमज़ान के इस पावन महीने में हम सभी मुसलमान भाई बहनों के साथ मिलकर के रोज़ा तोड़े हैं, आज मिलकर के तोड़ा है। जिन्होंने भी इसको ऑर्गेनाइज किया है उन सबों को मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। एक तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को सबको मिला करके एक साथ इकट्ठा कर करके एक संदेश देने की कोशिश की है जिसे हमें इस आज के माहौल के अंदर बहुत आवश्यक है। मैं हमारे सभी मुसलमान भाई बहनों को आज के इस महीने की इस जो रोज़ा की जो चल रहा है और रमज़ान के इस पावन महीने में उनको बधाई देता हूँ। आज ये रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम रखा है हमारे नितिन भाई, मनोहर भाई और बंसाली जी ने रखा है। यह एक कौमी एकता की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। तो आज जैसे नदी नाले जगह जगह से चल के एक समुद्र में समा जाते हैं, वैसे यहाँ सभी धर्म के लोग आए हुए हैं। और मैं तो मालिक से यही दुआ करता हूँ कि हमारे शहर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति बनी रहे, यही मेरी भावना। जय हिंद, जय भारत। ये जो आयोजन हुआ है रोज़ा अफ्तार का, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात हमारी खुशनसीब भी है कि यहाँ पर वर्मा जी का मंदिर और सरकार गरीबनवास की दरगाह है। ये अमित बंसाली और नितिन शर्मा जी और मनोहर चिश्ती साहब, इनकी पूरी टीम ये ऐसा काम करती है कि हम ये चाहते हैं कि पैगाम पूरे इंडिया में ये मीडिया दे, जिससे हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे, अमन अमान शांति रहे और इसी तरह से कड़ी जुड़ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई रहे और इसको बढ़ावा मिले। हाजी चांद खान, पूर्व अध्यक्ष डी सोसाइटी, पंचायत अंदर कोटिया, अंदरपुर।